दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब। दोस्तों ये देखिए पेडिस्टल फ़ैन है, इसको जो है मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ। फ़ैन जो है बिल्कुल भी डेड है, बिल्कुल चल नहीं रहा है। और ये देखिए इसको खोल करके तो देख लेंगे, लेकिन पहले एक बार ये देखिए सप्लाई दे दिया हूँ मैं। स्विच 1 2 3 जो भी है सिलेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन जो है फ़ैन जो है कोई मूवमेंट नहीं है। तो चलिए फटाफट से इसको जो है खोल करके देख लेते हैं समस्या जो है कहाँ से हो रहा है। और वीडियो में बने रहिए ताकि आपको भी पता चल सके अगर फ़ैन जो है इस तरह से अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो कहाँ कहाँ आपको चेक करना चाहिए, किस किस चीज़ को ध्यान में रख के जो है आपको कौन कौन सा स्टेप जो है आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ का जो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे कवर पीछे तरफ का खोलने के बाद इस तरह से आपको स्विच वगैरह अंदर कनेक्शन दिखाई देगा। तो मेन सप्लाई से एक डायरेक्ट कोयल में जाता है। तो पहला स्टेप है हम लोग ये पावर कोड को चेक कर लेंगे। देखिए पावर कोड बिल्कुल सही है, दोनों में जो है कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ये देखिए आप सीरीज लैम्प का मदद से भी चेक कर सकते हो, या तो आप मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर का मदद से भी चेक कर सकते हो आप। और दोस्तों चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखते हैं इसको जो है समस्या जो है कहाँ से आ रहा है। पहले बारी बारी से जो है इसका नीचे से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल कोयल का तरफ से ना बता रहा है। यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी जो है नहीं आ रहा है कोयल से, तो कहीं ना कहीं ये कोयल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो इसका जो हेड है जहाँ पे कोयल होता है, इसको हम लोग जो है फटाफट खोल लेंगे। देखते हैं कोयल अगर जला उला होगा तो जो है रिपेयर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि कोयल जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर कहीं टर्मिनल वगैरह अगर छूटा हुआ है, या तो इसका अंदर एक थर्मल फ्यूज़ लगा होता है, वहाँ से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कभी कभी थर्मल फ्यूज़ भी जो है ख़राब हो जाता है। तो देखेंगे कि अब कहाँ से हो रहा है। तो ये देखिए ये कवर जो है मैं निकाल दिया हूँ, इसका मोटर आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल नया का जैसा है मोटर। तो फैन का मोटर बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें जाम वगैरह नहीं है। और ये जाम वगैरह का भी एक बार देख लीजिए आप, सप्लाई वगैरह चेक करने के बाद कहीं फ़ैन जो है कहीं से जाम तो नहीं है, इसको भी एक बार जो है आप चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये टर्मिनल्स को हम लोग को खोलना पड़ेगा। ये स्टेप 1 2 3 जो रेगुलेटर होता है इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे, ये कलर वाइज जो है बना के देता है। और कनेक्शन भी इसका जो स्विच और कोयल का साथ जो है कलर वाइज इसका जो है ज्वाइन करके कनेक्शन किया जाता है। तो खोलने से पहले एक मार्किंग कर देंगे ताकि सेटिंग जो है अच्छी तरह से जब हम लोग लगाएंगे तो बैठा रहे। तो फटाफट से कोयल को हम लोग खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ़ैन अगर नहीं चल रहा है, बिल्कुल डेड है, तो आपको कौन कौन सा स्टेप जो है फॉलो करके आप चेक करेंगे। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। हम लोग यहाँ पे भी कंटिन्यूटी वगैरह, यहाँ पे शॉर्ट वगैरह वायर कहीं जला हुआ वाला नहीं है, तो ये सब चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो कैपेसिटर ख़राब होने से इस तरह से प्रॉब्लम जो है नहीं होता है, फ़ैन जो है डेड नहीं होता है अगर कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो। कैपेसिटर ख़राब होगा तो थोड़ा सा आपको जो है मोटर से आवाज़ आने लगेगा, और फैन अगर जाम भी है तो भी जो है मोटर से थोड़ा सा जो है आपको हल्का सा आवाज़ जो है सुनाई देगा। तो यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं है, कोई बिल्कुल साउंड नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे कोयल में जो है धागा बांध के रखा है, शायद किसी ने इसको जो है रिपेयर कर चुका है। देखें यहाँ पे एक तार भी टूटा हुआ था। तो ये है देखिए ये थर्मल फ्यूज़ है, थर्मल फ्यूज़ को भी चेक कर लेंगे। देखिए कनेक्शन भी यहाँ पे छूटा हुआ है। तो अपना जो थर्मल फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल सही है। तो देखिए कोयल्स का जो कनेक्शन है यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी जो है बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कोयल का वजह से ही हो रहा है। कोयल में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं कनेक्शन छूट गया होगा, या तो कोयल जो है कहीं जल गया होगा। तो देख लेंगे यहाँ पे जो बाइंडिंग करके रखा है, धागा वगैरह बांध करके रखा है, इसको जो है एक बार जो है खोल करके चेक कर लेंगे।
तो ये देखिए इसका कनेक्शन है यहाँ पे जो है, कोई किसी ने इसको रिपेयर किया पहले, तो यहाँ पे धागा होगा बांध के रखा है, इसको खोल के एक बार चेक कर लेंगे। तो इसको काटने से पहले जो है थोड़ा सा ध्यान से काटिएगा, क्योंकि बहुत ही पतली सी तार का ये कोयल होता है। तो ये देखिए कनेक्शन जो है बिल्कुल बन नहीं रहा है, एक तार यहाँ से छूट गया, एक तार यहाँ से छूट गया। देखो देख पा रहे होंगे आप लोग, दो तार जो है छूटा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए ये ब्लू कलर का वायर भी जो है शॉर्ट है यहाँ पे, गल गया है वायर जो है। तो देखिए कनेक्शन जो है कहाँ से छूटा है, ये अगर अंदर से जल के छूट गया तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कनेक्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, एक यहाँ पे छुटा हुआ, और ये जगह में ठीक से ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे जो है बिल्कुल काला पड़ गया है, जला हुआ है यहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता ये जो है रिपेयर कर पाएगा, फिर भी देखिए एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। इसको जो है दोनों को जोड़ करके एक बार चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो अगर कंटिन्यूटी आ गया तो सही बात है, अच्छी बात है, फैन जो है चलने लगेगा। तो देखिए कंटिन्यूटी जो है बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों कंटिन्यूटी जो है बन नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कनेक्शन जो है जहाँ ये जहाँ से ये टूटा हुआ है ये कनेक्शन, वहाँ से नहीं है। देखिए तीन एक और वायर निकल गया है यहाँ पे। तो अगर आपको इस सब बारे ये सब के बारे में अगर कुछ भी अगर जानकारी नहीं है, आपने जो है पहले किया नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसको नहीं छेड़े तो बेटर है। तो क्योंकि ये देखिए आप कोयल के तार वगैरह देख सकते हो, बहुत ही पतली सी तार है ये, अगर टूट गया तो जो है इसको ढूंढ पाना मुश्किल है। तो देखिए वायर यहाँ पे जलने के कारण जो है कोयल में जो स्पॉट पड़ा था ब्लैक कलर का, तो वहाँ पे जो है कोयल जो है बिल्कुल जल गया है, देखिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तीन कनेक्शन निकल चुका है, तो देखते हैं ये दोनों को जो है, तीनों को जो है एक एक करके जोड़ करके देख लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी बन पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है पूरे के पूरे कोयल जो है चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है, देखिए ये स्टेप फॉलो करके आप जो है बारी बारी से चेक कर सकते हो। फैन अगर बिल्कुल डेड है, अगर टेबल फैन हो या स्टैंड फैन हो, कोई भी फैन हो, तो इस तरह से आप जो है बारी बारी से मल्टीमीटर या कंटिन्यूटी सॉरी सीरीज टेस्ट लैम्प की मदद से जो है बारी बारी से स्विच से आप स्टार्ट करके जो है यहाँ तक कोयल तक आप चेक कर सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है, कोयल का जो टर्मिनल है यहाँ पे जो है पुराना होने की वजह से जो है कनेक्शन छूट जाता है, उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए कनेक्शन जो है बन नहीं पा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो जला हुआ है इसका वजह से जो है कोयल जो है इसका जो कनेक्शन का जो वायर है कहीं जो है इसका अंदर से टूट गया होगा जलने के कारण, क्योंकि इसको खोलते वक्त जो है एक टुकड़ा ये कोयल का तार भी जो है निकला था। तो बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह से ये कनेक्शन का वायर ढूंढना टेबल फैन में, खास करके स्टैंड फैन टेबल फैन में। तो सीलिंग फैन वगैरह में जो है चल जाता है, और सीलिंग फैन में जो है अगर कनेक्शन का तार अगर नहीं मिल पाता है तो एक स्लॉट अगर निकाल देंगे तो भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो है एक दो स्लॉट निकाल करके जो है वाइंडिंग नहीं कर सकते हम लोग, और ख़ास करके जो कंपनी बना के देता है वो अच्छी तरह से बर्निश लगा होता है, तो उसको खोल करके हम लोग वाइंडिंग करना मुश्किल है। तो लास्ट
एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं। देखिए मैं लास्ट एक बार चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यूटी जो है बन नहीं पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, कोयल को जो है चेंज करना पड़ेगा। ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है, करना है नहीं करना है।